10 एनिमल्स दैट शुड गेट एन ऑस्कर फॉर एक्टिंग। 10 ऐसे जानवर जिन्हें एक्टिंग में ऑस्कर मिलना चाहिए। दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े एक्टर्स मौजूद हैं, और फिल्मों में जब कोई अभिनेता या अभिनेत्री अच्छी एक्टिंग करते हैं तो उन्हें ऑस्कर जैसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इन एक्टर्स को देखकर अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ इंसान ही एक्टिंग कर सकते हैं तो आप पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि दुनिया में इंसानों के अलावा बहुत से ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सबको हैरान कर देते हैं। अभी एक्टिंग उन्होंने किस तरह सीखी ये तो पता नहीं, लेकिन इतनी जबरदस्त एक्टिंग देखकर आप भी ये कहेंगे कि इन्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। इसलिए आज टॉप 10 हिंदी की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही ड्रामेबाज जानवरों से मिलवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, द ईस्टर्न हॉगनोस स्नेक। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि सांप दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक होते हैं, लेकिन दुनिया में मौजूद सांपों की प्रत्येक प्रजाति खतरनाक नहीं होती है, और ईस्टर्न हॉगनोस नाम का यह सांप भी उन्हीं कम खतरनाक सांपों में से एक होता है। इस सांप का आकार काफी छोटा होता है और इसके अंदर इतना जहर भी नहीं होता कि ये किसी इंसान की जान ले सके। इसके साथ ही इस सांप के अंदर खुद की रक्षा करने के लिए भी कोई खास ताकत नहीं होती है। ऐसे में इस सांप ने अपने बचाव के लिए एक बेहद अनोखी कला में महारत हासिल कर ली है। दरअसल, जब भी इस सांप को खतरा महसूस होता है तो ये मरने की एक्टिंग करने लगता है, और आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन अपनी इसी जबरदस्त एक्टिंग की वजह से ये बहुत बार अपनी जान बचा लेता है। जैसे ही इसको कोई खतरा महसूस होता है ये तुरंत अकड़कर उल्टा हो जाता है, और ये तब तक एक्टिंग करता रहता है जब तक कि खतरा पूरी तरह टल नहीं जाता। वाकई, मरने की इतनी जबरदस्त एक्टिंग तो कोई एक्टर भी नहीं कर सकता। नंबर 9, बेहोश होने वाली बकरियां। दोस्तों, अगर आपने साल 2009 में आई हॉलीवुड फिल्म द मैन हू स्टेयर एट गोट्स देखी है तो उस फिल्म में आपने देखा होगा कि कैसे एक आदमी एक बकरी को घूरता है और उसके घूरने के कारण वो बकरी बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि उस घूरने वाले आदमी में कोई खास सुपर नेचुरल शक्तियां हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि उस बकरी के बेहोश होने में उस आदमी का नहीं बल्कि उस बकरी का ही कमाल था। दरअसल, ये खास किस्म की बकरी थी जिसको माइटोनिक गोट्स के नाम से जाना जाता है। देखने में लगता है जैसे ये बकरियां बेहोश होने की एक्टिंग कर रही हों, लेकिन असल में इन बकरियों के अंदर मायोटोनिया कॉन्जेनिटा नाम की एक दुर्लभ मेडिकल कंडीशन पाई जाती है। यह मेडिकल कंडीशन मांसपेशियों से जुड़ी हुई होती है। इस मेडिकल कंडीशन से पीड़ित बकरियों को जब डराया या चौंकाया जाता है तो इनकी मांसपेशियां एकदम से कठोर हो जाती हैं, जिसके कारण ये चलते चलते अचानक जमीन पर गिर जाती हैं। वैसे जो भी हो, लेकिन इन्हें देखने में बड़ा मजा आता है। नंबर 8, क्रिस्टल नाम का बंदर। आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में बंदरों को अभिनय करते हुए देखा होगा, चाहे फिल्म हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, लेकिन फिल्मों में बंदरों को काफी समय से शामिल किया जा रहा है। और अगर बात की जाए फिल्मों में शामिल होने वाले प्रसिद्ध बंदरों की, तो हॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाला क्रिस्टल नाम का ये बंदर दुनिया का सबसे प्रसिद्ध बंदर कहलाता है। ये बंदर इतना प्रसिद्ध है कि इसको सुपरस्टार मंकी कहा जाता है। बेहद चुलबुला ये बंदर अपनी जबरदस्त अभिनय काबिलियत की वजह से इतना प्रसिद्ध हुआ है। अभी हाल ही में इस बंदर को एक टेलीविजन प्रोग्राम के लिए 2 करोड़ रुपए चुकाए गए थे, जो एक बेहद हैरान करने वाली बात है। वैसे इस बंदर ने अपनी पहली फिल्म साल 1997 में की थी, और तब से लेकर अब तक ये बहुत सी प्रसिद्ध फिल्मों में नजर आ चुका है। इस बंदर द्वारा की गई फिल्मों में डॉक्टर डूलिटल, नाइट एट द म्यूजियम और द हैंगओवर जैसे मशहूर फिल्में भी शामिल हैं। इसके अलावा ये बंदर साल 2019 में आई बॉलीवुड फिल्म टोटल धमाल में भी नजर आया था। और एक राज की बात आपको बता दें कि ये बंदर असल में एक मादा बंदर यानी बंदरिया है। नंबर 7, जिमी द रेवन। अभी हमने आपको बताया कि एक बंदर किस तरह फिल्मों में जबरदस्त अभिनय कर रहा है। वैसे हम आपको बता दें कि इस लिस्ट में सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि पक्षी भी मौजूद हैं, क्योंकि जिमी नाम का ये रेवन अपनी एक्टिंग का हुनर बहुत से फिल्मों में दिखा चुका है। जिमी नाम के इस पक्षी को जिमी द क्रो के नाम से भी जाना जाता है। ये बात जानकर आप काफी हैरान रह जाएंगे कि जिमी 10, 20, 50 या 100 फिल्मों में नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में नजर आया था। साल 1934 में अंडे से बाहर निकल के इस कौवे ने सन 1938 से 1954 तक फिल्मों में एक एनिमल एक्टर के रूप में काम किया था। ये रेवन अपने काम में इतना कुशल था कि कई बार लोग फिल्म देखने के बाद कहते थे कि फिल्म में सबसे बढ़िया अभिनय जिमी ने ही किया था। जिमी टाइपराइटर पर टाइपिंग, लिफाफे खोलना और एक छोटी सी बाइक चलाने जैसे काम बड़े ही आसानी से कर लेता है। इस रेवन की प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंटरनेट पर इसका अपना विकिपीडिया और IMDB पेज मौजूद है।
नंबर 6 लायर बर्ड। आप सभी लोगों ने मनोरंजन की दुनिया में बहुत से अलग अलग मिमिक्री आर्टिस्ट देखे होंगे। उन तमाम सिंगर्स को ये मिमिक्री आर्टिस्ट दूसरे लोगों की आवाज की हूबहू नकल करने में काफी कुशल होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ इंसान ही मिमिक्री कर सकते हैं तो दोस्तों आप गलत हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला लायर बर्ड नाम का ये पक्षी दूसरे जानवरों की आवाजों की हूबहू नकल करना जानता है। इस पक्षी की यह खासियत इसको दुनिया के अन्य सभी पक्षियों से बिल्कुल अलग बनाती है। और इतना ही नहीं, ये अपने आस पास सुनाई दे रही लगभग सभी आवाजों की हूबहू नकल कर लेते हैं, फिर चाहे वो ड्रिल मशीन की आवाज हो या हथौड़े से कील ठोकने की आवाज। ये पक्षी सभी चीजों की आवाज इतनी सटीक तरह से निकालते हैं कि सुनने वाला इंसान असली और नकली आवाज में फर्क नहीं बता सकता। ये पक्षी आवाजों की नकल खुद को शिकारियों से बचाने के लिए करता है। लायर बर्ड जब अपनी खूबसूरत पूंछ को फैलाता है तो यह संगीत के उपकरण लायर यानी वीणा के समान नजर आती है, इसी कारण इसको लायर बर्ड का नाम दिया गया है। नंबर 5 वाइल्ड वेस्ट श्रिम्प। श्रिम्प यानी झींगे के बारे में तो आप सभी लोग अच्छी तरह जानते होंगे और आपने इसको बहुत बार देखा भी होगा। साधारण से दिखने वाला यह जीव भी असल में काफी होशियार होता है। जो लोग समुद्र में गोता लगाना पसंद करते हैं उन्होंने अक्सर समुद्र में एक टक जैसी आवाज सुनी होगी। ये आवाज समुद्र में इतनी सुनाई देती है कि अब ये समुद्र का ही एक हिस्सा बन गई है। वैसे हम आपको बता दें कि ये रहस्यमय आवाज कोई और नहीं बल्कि वाइल्ड वेस्ट नाम का एक श्रिम्प निकालता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस आवाज को निकालने के पीछे एक बेहद खास मकसद होता है। इस खास प्रकार के श्रिम्प के शरीर में एक स्टन गन लगी हुई होती है। जब ये श्रिम्प अपने पंजे को ऊपर उठाता है तो ये गन ट्रिगर हो जाती है और इससे ये आवाज निकलती है। इस तकनीक का इस्तेमाल ये श्रिम्प खुद की रक्षा करने के लिए करता है और ये इसके लिए काफी असरदार भी साबित होती है। नंबर 4 द मॉन्की ओपेरा। आप सभी लोगों ने टेलीविजन या किसी फिल्म के अंदर ओपेरा सिंगर को गाते हुए जरूर देखा होगा। ये सिंगर अपनी बेहद तेज और तीखी आवाज के लिए काफी प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन दुनिया में बंदरों की एक ऐसी प्रजाति भी मौजूद है जो ओपेरा गाने के लिए काफी प्रसिद्ध है। ओपेरा गाने वाले इन बंदरों को हाउलर मंकी के नाम से जाना जाता है। ये बंदर अपनी बेहद तेज और तीखी आवाज के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। बंदर अपने मुंह से तेज आवाज निकालते हैं तो वैसा लगता है जैसे ये कोई ओपेरा गा रहे हों। बेहद शरारती स्वभाव वाले ये बंदर हर समय मस्ती करते और चिल्लाते रहते हैं। इन बंदरों की आवाज इतनी तेज होती है कि घने जंगलों में भी इसको 5 किलोमीटर की दूरी तक आसानी से सुना जा सकता है। इन्हें दुनिया का सबसे तेज आवाज वाला जानवर भी माना जाता है। नंबर 3 मलेशिया की विस्फोट होने वाली चींटियां। मलेशिया के बोर्नियो आइलैंड पर चींटियों की एक बेहद खास प्रजाति पाई जाती है। इन चींटियों की खास बात यह है कि ये खतरा देखकर खुद ही एक्सप्लोड हो जाती हैं। बोर्नियो के जंगल में रहने वाली ये चींटियां देखने में तो बिल्कुल साधारण चींटियों की तरह नजर आती हैं, लेकिन खुद के जिस्म में विस्फोट करने की इनकी क्षमता इन्हें दूसरी साधारण चींटियों से बिल्कुल अलग बना देती है। दरअसल जब कोई शिकारी इन चींटियों पर हमला करता है तो ये चींटियां अपनी कॉलोनी की रक्षा करने के लिए अपने पेट पर इतना दबाव बनाती हैं कि इनका पेट फट जाता है और इससे एक जहरीला तरल पदार्थ निकलकर सीधा उस शिकारी के ऊपर जाता है, जिससे वो शिकारी या तो वहीं मर जाता है या फिर भाग खड़ा होता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कोई फौजी अपने देश के लिए खुद की जान देता है। नंबर 2 सबसे तेज आवाज वाले कीड़े। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर बहुत से ऐसे छोटे आकार वाले कीड़े पाए जाते हैं जिनकी आवाज उनके आकार की तुलना में काफी तेज होती है। और अगर पृथ्वी पर सबसे तेज आवाज निकालने वाले कीड़ों की बात की जाए तो फिर सिकाडा नाम के इस कीड़े का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हिंदी भाषा में इसको झिंगूर और शलभ जैसे नामों से जाना जाता है। अक्सर शाम के समय जंगलों और पार्कों आदि में पेड़ों से जो तेज भिनभिनाहट वाली आवाज आती है वो यही कीड़े निकालते हैं। वैसे आपको बता दें कि आवाज नर कीड़े मादा को अपनी ओर आकर्षित करने और पास बुलाने के लिए निकालते हैं। नंबर 1 मोर। ये बात तो आप सभी लोग अच्छी तरह जानते होंगे। मोर हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है और इसके अलावा मोर को दुनिया के सबसे सुंदर दिखने वाले पक्षियों में भी शुमार किया जाता है। क्योंकि हम मोर को बहुत बार देख चुके हैं इसलिए ये हमें ज्यादा हैरान नहीं करता, लेकिन असल में मोर काफी रहस्यमय पक्षी होता है। इसकी रोजमर्रा की जिंदगी को समझने के लिए आज भी शोध किए जा रहे हैं। पहले विशेषज्ञों को लगता था कि मोर अपने सुंदर पंखों को अपने बचाव के लिए फैलाता है, लेकिन बाद में पता चला कि नर पक्षी अपने पंखों को सिर्फ दिखावा करने के लिए फैलाता है। ऐसा करके ये मादा को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई पुरुष किसी महिला को रिझाने के लिए प्रयास करता है। यदि मादा को नर के ये पंख पसंद आ जाते हैं तो वो उसको चुन लेती है। इन पक्षियों की छोटी छोटी क्रियाओं के पीछे भी बड़े बड़े कारण छुपे हुए होते हैं।
तो दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वो बेल आइकन जरूर दबाना पड़ेगा। तो वैसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आएंगे हम। धन्यवाद।